subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, 11th English. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. चलिए शुरुआत करते हैं. द चेरी ट्री, ये पोएट्री सेक्शन की फर्स्ट पोएम है, 2.1. इसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा है. बॉर्न इन कसौली, हिमाचल प्रदेश, इन 1934. ये 1934 में पैदा हुए रस्किन बॉन्ड, कसौली, हिमाचल प्रदेश में. हैज़ रिटन हंड्रेड्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, नॉवेल्स एंड मोर देन 30 बुक्स फॉर चिल्ड्रन. इन्होंने हज़ारों किताबें लिखी हैं, छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हैं, मजामीन लिखे हैं, नावल लिखे हैं, बच्चों की कहानियाँ लिखी हैं, 30 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं. हिज फर्स्ट नावल द रूम ऑन द रूफ, रिटन व्हेन ही वाज 17, रिसीव्ड द जॉन लेवलिंस राइज मेमोरियल प्राइज इन 1957. वो जब 17 साल के थे उन्होंने पहली अपनी कहानी लिखी थी, पहला नावल लिखा था द रूम ऑन द रूफ, और 1957 में उसके लिए उन्हें इनाम भी मिला था. ही हैज़ ऑल्सो पब्लिश 2 volumes ऑफ ऑटोबायोग्राफी, और उन्होंने अपनी खुदनोश आप बीती के 2 volume भी तहरीर किए हैं. सीन्स फ्रॉम अ राइटर्स लाइफ पहला है, और दूसरा है द लैम्प इज लिट, अ कलेक्शन ऑफ एसेस एंड एपिसोड्स फ्रॉम हिज जर्नल. इन 1992 ही रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग इन इंडिया. 1992 में उन्हें साहित्य अकादमी का अवार्ड भी मिला था. ही वॉज अवार्डेड द पद्मश्री इन 1999. रस्किन बॉन्ड लिव्स विथ हिज अडॉप्टेड फैमिली इन मसूरी, उत्तराखंड. 1999 में उन्हें पद्मश्री का अवार्ड भी मिला, और वो मसूरी, उत्तराखंड में रहते थे. देखिए, अभी कुछ एक डेढ़ साल दो साल पहले उनका इंतकाल हुआ, 2017 में. द पोएम चेरी ट्री इज़ अबाउट द पोएट्स एक्सटेसी ओवर अ ट्री विच ही प्लांटेड डैट टुक 8 years टू ग्रो. ये जो पोएम है चेरी ट्री, ये पोएट के जो एक्सटेसी है, उनका जो जुनून है, उनके जो एक किस्म का नशा है एक दरख्त के लिए, जो उन्होंने 8 साल की उम्र में उगाया था, वो बयान करता है. ही इज़ एक्सप्रेसिंग हिज वंडर एट द वेज ऑफ नेचर एंड हाउ द चेरी ब्लॉसम्स आर फ्रेजाइल एंड क्विक टू फॉल. अब वो बयान करते हैं जो कुदरत के अजूबे हैं उनको बयान करते हैं, नेचर के, और चेरी के फूल किस तरीके से खिलते हैं, और उसकी जो नज़ाकत है, और अचानक वो कितनी तेज़ी से गिरते हैं उनको बयान करते हैं. अब ये क्विक टू फॉल, ये आमतौर पर इंसान के ज़िंदगी के उन पलों को जो मुरझाने वाले पल हैं उसे भी बयान करते हैं. द ट्री गिव्स हिम इमेंस जॉय एज ही कैन सी द स्टार्स एंड द ब्लू स्काई थ्रू डैपल्ड ग्रीन ट्रीज़. ये जो दरख्त है ये बयान करता है कि उनकी खुशी का जब कोई ठिकाना नहीं होता, जब वो बेहतर तरीके से उन तमाम चीज़ों को बयान करते हैं जो दरख्त में पाई जाती है, चाहे वो चेरी के फल हो, तो वो उन्हें तारों की नुमाइंदगी करते हुए नज़र आते हैं. चेरी ट्री, चेरी एक किस्म का बेरी के किस्म का एक दरख्त होता है. आपने अक्सर लाल किस्म की चेरीज देखे होंगे, उसी के दरख्त का यहाँ पर बयान है. 8 years हैव पास्ड, 8 साल गुजर चुके हैं, सिंस आई प्लेस्ड माई चेरी सीड इन द ग्रास, जब मैंने चेरी का जो बीज है वो घास में रख दिया. मस्ट हैव अ ट्री ऑफ माई ओन, आई सेड, और मैंने चाहा था कि मैं खुद अपना ही दरख्त पाऊँ जो मैं चाहता हूँ. एंड वाटर्ड इट वंस एंड वेंट टू बेड, और मैंने उसे पानी दिया और सोने के लिए चला गया. यानी यहाँ पर बयान है कि सोने के लिए चला गया, इसका मतलब है कि वो एक मरतबा पानी डालकर भूल गया. एंड फॉरगॉट, और भूल गया हमेशा के लिए. बट चेरीज़ हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग, यानी लेकिन चेरी की एक आदत होती है, वो बढ़ते ही जाते हैं. अगर आप बीज डाल दें तो वो एक छोटा सा पौधा होगा, पौधे से दरख्त बनेगा. दो नो वंस केयरिंग वेरी मच और नोइंग, लेकिन किसी को कोई पता नहीं रहता, कोई तवज्जो नहीं देता और ना ही जान पाता है. केयर करना यानी तवज्जो देना, नोइंग यानी जानना. एंड सडनली डैट समर नियर द एंड ऑफ मे, और अचानक ये मई महीने के आखिर में जब धूप बढ़ जाती है, गर्मी का मौसम होता है, आई फाउंड अ ट्री हैड कम टू स्टे, मैंने पाया कि एक दरख्त पैदा हुआ है जो घास से थोड़ा बढ़ गया है और वो बाकी भी है. इट वॉज़ वेरी स्मॉल 5 months ओल्ड चाइल्ड,
ये दरख्त, ये जो झाड़ है बहुत ही छोटा है, ऐसा लगता है कि कोई 5 महीने का बच्चा है। लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड, और वो खो चुका है लंबी लंबी घास में, जो जंगली घास अचानक बढ़ जाती है। गोट्स एट द लीव्स द ग्रास कटर स्काइथ, अब यहाँ पर कहते हैं कि जो बकरियाँ हैं वो पत्तों को खा जाती है, घास को भी खा जाती है, और घास को ऐसा कुतरती है स्काइथ, यानी जैसे कि उसे चबा रही हो। स्प्लिट इट अपार्ट एंड मानसून ब्लाइट, और उसे वो पार्ट देती है, उसे दो भाग कर देती है, तोड़ देती है। अपार्ट करना यानी दो टुकड़े कर देना, हिस्सों में बांट देना। एंड अ मानसून ब्लाइट, लेकिन अचानक जब मानसून का मौसम आता है तो उस मौसम में ये तमाम चीज़ें एक अजीब किस्म की बीमारी का शिकार हो जाती है। ब्लाइट क्या होता है? अ प्लांट डिसीज़ कॉज्ड बाय फंगी। और स्काइथ क्या है? ए लॉन्ग हैंडल्ड टूल विथ अ लॉन्ग कर्व्ड ब्लेड टू कट ग्रास एंड ग्रीन, यानी जिससे पत्तियां काटी जाती है या घास काटी जाती है, उसे स्काइथ कहते हैं। श्रीवल्ड द स्लेंडर स्टर्न स्टेम इवन सो, श्रीवल्ड रिंकल्ड एंड श्रंकन, यानी जिसमें झुर्रियाँ पड़ जाती है और जो मुरझा जाता है या फिर कांप उठता है, उसके लिए आप श्रीवल्ड इस्तेमाल करते हैं। द स्लेंडर स्टेम, झुका हुआ जो तना होता है, ये स्टेम क्या होता है? ये तना होता है, ट्रंक होता है, उसे छोटे पौधे के तने को स्टेम कहते हैं। इवन सो नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉच्ड 3 new shoots ग्रो, लेकिन अगले ही मौसम बहार में, स्प्रिंग यानी मौसम बहार में, आई वॉच्ड 3 new shoots ग्रो, मैंने 3 नई कोंपले खिलती हुई देखी। शूट्स कोंपल खिलना। द यंग ट्री स्ट्रगल अपवर्ड थ्रस्ट, और जो नन्हा सा पौधा था वो जद्दोजहद कर रहा था, स्ट्रगल यानी जद्दोजहद करना, अपवर्ड ऊपर की तरफ, थ्रस्ट बढ़ने के लिए, थ्रस्ट पुश फोर्सफुली, यानी जो पूरी तरीके से खींचा जाए या ऊपर की तरफ चढ़ा जाए। इट्स आर्म्स इन अ फ्रेश फियर्स लस्ट, और ऐसा लग रहा है कि उसने अपने आर्म्स यानी अपनी जो बाहें हैं वो फैला दी है। फ्रेश फियर्स, फियर्स ये जो बहुत ही एग्रेसिव तरीका है, शिद्दत से उसने अपनी बाहों को फैला दी है। लस्ट, ये लस्ट होता है एक किस्म की, एक लस्ट होता है ख्वाहिश के लिए, ऐश व इशरत के लिए, एक लस्ट होता है अपने आप में तशनगी को बढ़ाने के लिए और ऊपर की तरफ बढ़ते जाने के लिए। फॉर लाइट एंड एयर एंड सन, अब वो बढ़ रहा है, कह के लिए बढ़ रहा है ताकि उसे रोशनी मिले, हवा मिले, सूरज की रोशनी मिले, और वो सूरज को देखते हुए बढ़ता जाए। देखिए, पौधों में खसूसियत होती है, सूरज की रोशनी मिलने से वो बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, उन्हें रोशनी मिलती रहे, हवा मिलती रहे, और उन्हें ज़िंदगी भी मिलती रहेगी। आई कुड ओनली वेट एज वन, मैं तो सिर्फ इंतज़ार कर सकता हूँ और देख सकता हूँ। हु वॉच्ड वांडरिंग वाइल टाइम एंड द रेन, जो उन्हें देखता रहे अब भटकते हुए जब मुझे वक्त मिले और बारिश गिरे, क्योंकि बारिश के वक्त अक्सर लोग घर में होते हैं और घर में रहकर वो सिर्फ घर के बागीचे का नज़ारा कर सकते हैं, इधर उधर देख सकते हैं। तो जब ये छोटा सा श्राउड, छोटा सा पौधा, प्लांट बढ़ रहा है तो उसे पोएट भी देख रहा है। मेड अ मिरेकल फ्रॉम ग्रीन ग्रोइंग पेन, और उसमें ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही एक अजूबा हो गया है, जादू हो गया है, जादुई तरीके से ये हरा नन्ना मुन्ना पौधा अपने दुखों की, दर्द की परवाह ना करते हुए बढ़ रहा है। आई वेंट अवे नेक्स्ट ईयर, अगले साल मैं वहाँ से निकल गया, चला गया। आई वेंट अवे, छोड़ गया अगले साल। स्पेंट अ सीज़न कश्मीर, और अगला जो सीज़न था, मौसम था, वो मैंने कश्मीर में गुजारा। केम बैक थिनर रादर पुअर, जब मैं वापस आया तो मैं दुबला पतला हो गया था, थिनर हो गया था, रादर पुअर और गरीब भी था। बट रिचर बाय चेरी ट्री एट माई डोर, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा तो ऐसा लगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गया हूं, क्योंकि एक बहुत ही महकता हुआ चेरी का पौधा एक दरख्त बन चुका था जो मेरे दरवाजे पर खड़ा था, मेरा इस्तकबाल कर रहा था, मुझे बुला रहा था।
6 feet high my own dark cherry. अब उसकी उसकी ऊंचाई 6 feet की हो गई थी. जो डार्क चेरी का दरख्त था वो मेरा था और उसने मुझे दौलतमंद कर दिया था. एंड आई कुड स्कैसली बिलीव इट अ बेरी. और मैं बहुत ही बेतिनाई से शायद उस पर भरोसा कर पाता या देख पाता कि ये स्कैसली यानी कमयाबी से ऐसा लग रहा है कि वो मैं कमयाबी से शायद मैं इस पर भरोसा कर पाता कि ये बेरी का दरख्त है या चेरी का दरख्त है. राइपन्ड एंड जेवल्ड इन द सन. राइपन्ड एंड जेवल्ड ऐसा लग रहा है वो पक चुका है और जवाहरात से नहाया हुआ है और सूरज की किरणों को वो अपने अंदर समोकर और खुशनुमा दिख रहा है. जैसे उसने किसी दुल्हन ने कोई जवाहरात पहने हैं वैसे ही ये चेरी का दरख्त मेरे लिए ऐसा लग रहा है वो जेवल्ड है. हंग फ्रॉम अ ब्रांच जस्ट वन. और ऐसा लग रहा है कि वो झूल गया है. हंग यानी हैंग से बना है. हैंग के मैंने लटका देना, हंग के मैंने झूल जाना. फ्रॉम अ ब्रांच जस्ट वन. वो एक टहनी से एक शाख से झूल गया है. एंड नेक्स्ट ईयर देयर वेयर ब्लॉसम्स स्मॉल. लेकिन अगले ही साल वहाँ पर फूल खिल जाते हैं. ब्लॉसम्स फ्लावर्स डैट ब्लूम ऑन ट्रीज. ऐसे फूल जो दरख्तों पर खिलते हैं. ब्लूम्स यानी खिलना. पिंक फ्रेजाइल क्विक टू फॉल. और ऐसा लगता है कि ये जो पौधे हैं, ये जो पौधा है, इसमें जो फूल खिले हैं ये बहुत ही खुशनुमा है, गुलाबी है, नाजुक है, नज़ाकत वाले हैं. क्विक टू फॉल हमारी नज़रों को खैरा करने वाले हैं और खैरा कर कर वो ऐसा लगता है कि तारों को झड़ाने वाले हैं. एट द मेरेस्ट ब्रीद द स्लीपेस्ट ब्रीज. एट द मेरेस्ट ब्रीद ये बहुत ही ऐसा लगता है कि बहुत ही अटकती हुई सांसें हैं. मेरेस्ट ब्रीद, ब्रीद की मैंने सांस. मेरेस्ट यानी स्लाइटेस्ट नरमाई से या फिर आह भरती हुई सांसें. द स्लीपीएस्ट ब्रीज सोती हुई नरम और रवानी से चलती हुई सहलाती हुई ठंडी ठंडी हवा. ब्रीज के मैंने ठंडी हवा को कहते हैं. स्लीपीएस्ट ब्रीज के मैंने है द जेंटलीस्ट पफ ऑफ विंड, जो आपको ऐसी हवा जो आपको थपकी दे जाए उसे आप कह सकते हैं. आई ले ऑन द ग्रास एट ईज. अब यहाँ पर पोएट क्या कहता है. आई ले ऑन द ग्रास एट ईज लुकिंग अप थ्रू लीव्स एट द ब्लू. वो कहता है कि मैं घास पर जब पड़ जाता हूँ और उसकी नरमी महसूस करता हूँ. लुकिंग अप थ्रू लीव्स एट द ब्लू, जब मैं उसके उन पत्तों की तरफ देखता हूँ जो थोड़े नीले मायल या फिर जिसमें नीली रंगत आ जाती है हरे पत्तों में, जब उसके ज़रिए मैं देखना शुरू करता हूँ. ब्लाइंड स्काई एट द फिंचेस एज दे फ्लू. ऐसा लगता है कि आसमान अंधा हो गया है. एट द फिंचेस एज दे फ्लू, जब मेरी नज़रें ऊपर की तरफ उठती है और उठती हुई नज़रें ऐसा लगता है कि हर तरफ बिखर रही हो, उड़ती ही चली जा रही हो. वो मुट्ठी की जो छोटी छोटी फिंच होती है उसमें से वो गुजरती हुई आगे बढ़ रही हो. एंड फ्लिटर्ड थ्रू द डैपल्ड ग्रीन. और वो क्या कर रही है. डैपल्ड हैविंग डार्क और लाइट पैचेस, यानी कि वो खिसक रही है कहाँ से. डैपल्ड ग्रीन उन पत्तों के ऊपर से जिनके ऊपर गहरे दाग है. डैपल्ड ग्रीन यानी डार्क लाइट पैचेस. वाइल बीज इन एन एक्सटेसी ड्रैंक, जब शहद की मक्खियाँ वो एक्सटेसी यानी अपने फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, वो बहुत खुशी का मुजाहरा करती हैं. कब करती हैं, जब वो उस रस को पीती हैं जो चेरी ट्री से उन्हें मिलता है. ऑफ नेक्टर फ्रॉम ईच ब्लूम एंड द सन सैंग. नेक्टर क्या होता है. ये नेक्टर यानी स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लावर्स, जो बीज यानी कि शहद की मक्खियाँ पीती है. चाहे आप चाहे उसे अमृत कह दें या शहद कह दें या फिर आप उसे नेक्टर कह दें, तो ये एक स्वीट लिक्विड होता है जो फूलों के अंदर पाया जाता है, जिसे शहद की मक्खियाँ पीती है.
ऑफ नेक्टर फ्रॉम ईच ब्लूम एंड द सन सैंग, और जो नेक्टर वो पीती है हर ब्लूम हर खिले हुए फूल से, एंड द सन सैंग, और जो सूरज डूब रहा है या डुबकी लगा रहा है, स्विफ्टली एंड द स्टार्स टर्न इन द स्काई, नरमाई से, और जो स्टार्स है जो तारे हैं वो आसमान में भटक रहे हैं, झूल गए हैं। अब ये यहाँ पर जो चेरी ट्री के चेरीज लटके हुए हैं उसे भी स्टार कहा जा सकता है, और उस चेरी ट्री को आप एक आसमान से तशबीह दे सकते हैं। जैसे कि हम समझते हैं कि सातवां आसमान जो होता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा बेरी का दरख्त के जैसा वो सातवां आसमान है, जिसमें हर तरफ छाए हुए सितारे हैं, जो सितारे दूर दूर तक के आसमान को रोशन कर देते हैं। एंड मून मॉथ्स एंड सिंगिंग क्रिकेट्स एंड आई, और क्या करते हैं सूरज चांद क्या कर रहा है, एंड मून मॉथ्स एंड सिंगिंग क्रिकेट्स, जब चांद अपनी चांदनी की रोशनी बिखेर रहा है तब जो कीटक है, जो छोटे छोटे झींगर है, झींगरों की झाए झाए, वो एक किस्म की संगीत पैदा कर रही है, ऐसा लगता है कि वो गा रहे हैं। यस आई प्रेज नाइट एंड स्टार्स एंड ट्री, तो मैंने और उन तमाम कीटकों ने, उन तमाम दरख्त में पाए जाने वाले उन छोटे छोटे जानदारों ने एक गीत गाया, और उन्होंने तारीफ़ की उस रात की, शाम की, उस उन सितारों की, और साथ ही साथ उस दरख्त की, उस ट्री की, चेरी ट्री की। डेट स्मॉल द चेरी ग्रोन बाय मी, और ये छोटा सा दरख्त जो चेरी का ट्री है वो जिसे मैंने बड़ा किया, जो मेरे द्वारा बड़ा किया गया, इसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।